हेलो 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 हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई लाउड एंड क्लियर? सॉरी। आ रही है, ठीक है, नाउ इट्स फाइन। यस, सो अगेन दोबारा से शुरुआत कर देता हूँ। अ वार्म वेलकम टू एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का पहला सेशन, पहला लेक्चर, जिसमें हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यूज। ये टिश्यूज में हम एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज दोनों डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल, सेल में क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, बेसिक चीज़ें जो हैं, गॉल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, और कोशिश करूंगा कि सेशन में आपको याद हो जाए। देखो, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका बायो बैकग्राउंड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। आप पेपर के क्वेश्चंस देखोगे, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि इसको कैसे याद रखा जा सकता है, स्पेशली फॉर नॉन जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जिनको बायो से थोड़ा डर लगता है, जिनको लगता है यार याद नहीं होता है, तो उनको याद कराने की कोशिश भी हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, ताकि पेपर में आपको स्ट्राइक कर जाए कि क्या था। माइटोकॉन्ड्रिया से सोचना ना पड़े कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ठीक है, गॉल्गी बॉडीज क्या करती हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं सेशन की। वार्म वेलकम। सो ब्रीफली पहले 10 मिनट में थोड़ा सा बस जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे थ्योरी का, देन विल गो टू द क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दैट इज आर प्लान ऑफ डूइंग थिंग्स। चलो शुरुआत करते हैं। चलिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहले एक देखो, दो तरीके के सेल्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक्स हैं। प्रोकैरियोटिक प्राइमरी सेल्स, ठीक है, बेसिक सेल्स बेसिकली। धीरे धीरे जब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो हमारी बॉडी ने कैसे डेवलप किया, हमारी बॉडी ने हर फंक्शन को डिवाइड किया। जैसे कि आप ऐसे समझो कि एक मतलब एक इसको मैं बिजनेस की भाषा में समझाने की कोशिश या एक ऑर्गेनाइजेशन की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति होता है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है, उसकी खुद की दुकान होती है, वो सारे काम खुद कर रहा होता है, ठीक है, सारी चीजें, सुबह सफाई भी वही कर रहा है, सेल्स भी वही कर रहा है, अकाउंट्स भी वही मेंटेन कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। और एक होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सारी चीजें बहुत क्लियर होती हैं कि ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग है, ये सेल्स है, ये ऑपरेशंस का है, यहाँ पर जो है अकाउंट, मतलब बहुत क्लियर सेग्रीगेशन होती है। तो यहीं पर मल्टी सेलर और यूनिसेलर में भी यही फर्क है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में भी यही डिफरेंस है। तो यहां पर अमीबा है, बहुत बेसिक यूनिसेलर। तो यहां पर आपको क्या है, देखो यहां पर फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो न्यूक्लियस आपको मिल रहा है उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया है जी, ये गॉल्गी बॉडीज हैं, इस तरीके से स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलिज जो है यहां पर आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर लाइक सेल मेम्ब्रेन है जो आउटर, देखो सेल मेम्ब्रेन किसी भी बॉडी में आपको एक आउटर स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी क्लियर डिमार्केशन नहीं है, पूरा का पूरा सेल जो है, अगर मान लीजिए इसने एक पर्टिकुलर फूड आइटम को एब्जॉर्ब करना है, तो पूरा का पूरा सेल जो है यहां पर काम करता है, ठीक है, ओके। एक आता है आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ठीक है, इसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट। देखो एक बेसिक सा फंडा याद रखना, मान लो आप जब पौधे को पानी देते हो, ठीक है, जड़ों में जब पानी देते हो, तो बाहर क्या है, पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर पानी की कंसेंट्रेशन कम है। तो अब देखो दो तरीके से इसको देखा जा सकता है, एक तो है कि पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है बाहर और रूट्स में पानी की कंसेंट्रेशन कम है। तो ज्यादा पानी की कंसेंट्रेशन से पानी कहां कैसे मूव करेगा, जहां ज्यादा है जहां कम पानी है, ज्यादा से कम की तरफ पानी जो है मूव करेगा। या फिर अगर हम इसको सॉल्यूट की टर्म्स में देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बाहर जहां पर पानी ज्यादा है तो सॉल्यूट कम है, ठीक है, अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, तो यहां पर हम कहेंगे कि बाहर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है, अंदर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। सो इट डिपेंड्स हाउ यू सी द थिंग्स, ठीक है जी। यहां पर ऑस्मोसिस में आप देख सकते हैं लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, पर यहां पर क्या है आपका पानी ज्यादा है, ठीक है, पानी ज्यादा है तो पानी मूव कर रहा है, ठीक है, पानी जो है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, पानी का एक बैलेंस मेंटेन होगा, ठीक है।
ओके सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन. अब यहां पर क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं डिफ्यूजन में मूव कर रहे हैं. अल्टीमेटली मकसद यही है इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, ठीक है. या तो पानी जहां पर ज्यादा है, जैसे मान लो कि किसी भी जगह पर अगर पानी ज्यादा है तो वो कहां की तरफ जाने की कोशिश करेगा जहां पर पानी कम है, ठीक है. चलो अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट आपका हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक. पहली बात तो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है, सेम, सेम मतलब बराबर, ठीक है. तो यहां पर बाहर पानी की कंसेंट्रेशन और अंदर पानी की कंसेंट्रेशन सेम है तो एक्सचेंज होगा, बाहर दोनों तरफ जाएगा बट नेट एक्सचेंज जीरो होगा, ठीक है. नेट जो एक्सचेंज है पानी का वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है. दूसरा आता है आपका हाइपोटोनिक, ठीक है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप देखो पानी जो है अंदर जा रहा है सेल में, तो मतलब पानी की कंसेंट्रेशन क्या है, बाहर ज्यादा है और पानी की कंसेंट्रेशन अंदर, तो ये जो है क्या करेगा, ठीक है, अंदर की तरफ. और यहां पर अगर आप हाइपरटोनिक में देखेंगे तो क्या है, पानी जो है बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, बाहर पानी बाहर की तरफ जा रहा है. ओके नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, प्लांट और एनिमल सेल, ठीक है. अब मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि दैट इज नॉट द इंटेंट ऑफ द टॉपिक, हमने क्वेश्चन को डिस्कस करना है. तो इसमें ना बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है एनिमल सेल में याद रखने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि हम यहां पर आज इसको याद कर ले. देखो इसमें बहुत सारे लाइक एक सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनिल्स हैं, उसका अपना अपना काम है, ठीक है. इसमें साइटोप्लाज्म है जो कि काइंड ऑफ सेमी लिक्विड काइंड ऑफ जो एटमॉस्फेयर है जिसमें ये सारे के सारे ऑर्गेनिल्स काम कर रहे हैं, अपना अपना ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं. अब देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ. देखो रफ और स्मूथ, इसको ऐसे याद रखना, रफ और टफ बॉडी कैसे बनती है, ठीक है, रफ और टफ बॉडी कैसे बनती है, प्रोटीन खाने से. लोग प्रोटीन शेक पीते हैं, ठीक है, रफ और टफ बॉडी बनाने के लिए, ठीक है, डॉले शॉले बनाने के लिए. तो ये हो गया आपका प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए. अब ये सॉफ्ट जो फैट होता है, ठीक है, लिपिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है. जनरली फैट क्या है, जब हम कहते हैं किसी के पास चर्बी चढ़ी हुई है तो सॉफ्टी चबी सा होता है, ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसके लिए है, किसकी फॉर्मेशन के लिए है, लिपिड्स या सिंपली कहें तो फैट्स के लिए, ठीक है. ये पेपर में याद रखने के लिए, ठीक है, पेपर में एकदम इमीडिएटली. अच्छा अब ये रफ क्यों है, ठीक है, तो आर से रफ, आर से राइबोसोम्स, ठीक है जी, आर से राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स किसके लिए हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हो गया, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस. जो मैंने आपको बताया रफ और टफ बॉडी चाहिए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके एक आपका बॉडी, एक चीज आती है गोल्गी अपरेटस, ठीक है. गोल्गी अपरेटस से गोल शब्द याद रखना, क्या है गोल, गोल क्या होता है, व्हील, ठीक है, पहिया, ठीक है. किस चीज के लिए यूज होता है व्हील, व्हील की इन्वेंशन से क्या चीज हुई, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बदलाव आ गया, ठीक है. व्हील किसके लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने के लिए. तो गोल्गी अपरेटस भी यही काम करता है. गोल्गी अपरेटस क्या करता है, जो भी चीजें बनी हैं, ठीक है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको क्या करता है, फैट्स एंड लिपिड्स. तो गोल्गी अपरेटस जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है. तो गोल से याद रखना, गोल गोल घूम के जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, याद रहेगा. जो जो पेपर में पूछा जाता है उसकी ट्रिक्स आपको बता रहा हूं. देन आपका माइटोकॉन्ड्रिया, देखो माइट, माइट इज राइट, जिसके पास शक्ति है वही सब है, माइट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइट, तो माइट मतलब शक्ति. शक्ति कहां से आ रही है, एटीपी से, एडिनोसाइट, एडिनोसाइट ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी, एनर्जी सेल्स, ठीक है, क्या है, एनर्जी सेल्स हैं, ठीक है जी. तो ये क्या हो गए, माइट, एटीपी, याद रहेगा. गोल्गी अपरेटस ट्रांसपोर्ट, गोल गोल घूम रहा है, व्हील है, चक्के की तरह है, पहिए की तरह है, ट्रांसपोर्टेशन मोटा मोटा, ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, रफ टफ बॉडी चाहिए तो प्रोटीन, प्रोटीन शेक पी रहे हैं, सॉफ्ट चबी, फैट्स एंड लिपिड्स. ओके यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइट, माइट मतलब एटीपी. ओके राइबोसोम्स हो गया डिस्कस, ठीक है.
देर इज वन अनदर, हाँ, लाइजोसोम्स, ठीक है, लाइजोसोम्स, ठीक है, लाइजोसोम्स. अब लाइजोसोम को याद रखना लाइजोल से. घरों में लाइजोल यूज होता है, एनीबडी, मतलब घर में लाइजोल सुना है, सफाई के लिए यूज होता है, ठीक है. तो लाइजोल सफाई के लिए, वेस्ट को रिमूव करने के लिए, लाइजोसोम्स, ठीक है, जो भी चीजें वेस्ट हैं उसको जो है क्या करता है, रिमूव करता है. अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसमें होते हैं, जिसको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है, ठीक है, सुसाइडल बैग्स किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपने लिखना है, ठीक है. सो वेटिंग फॉर योर आंसर. तो यहां पर और एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक डिफरेंस और क्या होता है, प्लांट सेल हार्ड होता है जी, ठीक है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, ठीक है, रिजिड होता है. वेयर एज अगर आप एनिमल सेल की बात करें, इसमें क्योंकि बहुत सारी मूवमेंट होनी होती है, तो ये जो है आपका सॉफ्ट, इसमें आपको चीज देखने, इसमें आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, ठीक है. इसके अलावा अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म है आपका जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, क्लियर, याद रहेगा, ठीक है जी. बाकी लोग भी आंसर करें भाई, नहीं तो फिर बोल के चला जाऊंगा, याद रहना चाहिए, ठीक है, चीजें याद रहनी चाहिए, दैट इज द मेन थिंग ओवर हियर. और वैक्यूल्स, ठीक है, सो लार्ज आपको एक वैक्यूल मिलता है, ठीक है, प्लांट सेल में देखेंगे जो रिजिडिटी है, जो टर्जिडिटी है, या जो बड़ा पार्ट है, दैट इज वैक्यूल्स, ठीक है, दैट इज वैक्यूल्स, लाइजोसोम्स, ठीक है, यस. आगे क्वेश्चन आएगा, सुसाइडल बैग्स किसे कहते हैं, क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो ओल्ड सेल्स हैं और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को और ओल्ड सेल्स को बाहर करता है. कई बार अगर कोई इंजरी हो गई तो वो लाइजोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं और सेल्स को ही खा जाते हैं, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है. तो लाइजोल क्या है, सफाई करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, लाइजोल, लाइजोसोम से, याद रहेगा, सारे याद रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया याद रहेगा, गोल्गी एपरेटस याद रहेगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया माइट से, ठीक है. चलो नेक्स्ट आता है आपका प्लांट टिश्यूज, ठीक है. प्लांट टिश्यूज में हमने दो चीजें देखी, मेरिस्टमैटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टमैटिक टिश्यू में क्या है, अगेन एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ठीक है, इंटरकैलरी. अब देखो एपिकल, एप, एप टॉप, ठीक है, टॉप पे है, बेसिकली जो बड है, जो ग्रोथ है, ठीक है, लेंथ वाली जो ग्रोथ है, ठीक है, वो कहां से होती है, एपिकल मेरिस्टेम से होती है. लेटरल, लेटरल का मतलब होता है साइड, ठीक है, गर्थ या साइड, साइडवेज ग्रोथ कौन करता है, लेटरल, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम. इंटरकैलरी, इंटरवल से याद रखना, इंटरवल कब होता है, बीच में जो नोड्स होते हैं, ठीक है, नोड्स की ग्रोथ जो है वो कौन करता है, इंटरकैलरी, ये देख लो, ठीक है. एपिकल ये टॉप पर है, इंक्रीज द हाइट, और इंटरकैलरी मेरिस्टम इंटरनोड, तो ये नोड वाला पार्ट, ये नोड वाला पार्ट जो है इंटरवल में याद रखना. और लेटरल क्या हो गया, गर्थ, जो विड्थ है, बेसिकली जो साइडवेज, साइड वाइज साइड का जो ग्रोथ है, ठीक है, वो कौन करता है, आपका लेटरल मेरिस्टम करता है. इसके बाद आपके परमानेंट टिश्यूज में दो आते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सिंपल में पेरेन्कीमा, कॉलेनकीमा, स्क्लेरेन्कीमा, ठीक है, इसके फर्दर है, इसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं. इसमें कॉम्प्लेक्स वाला इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फेलम, ठीक है, जाइलम और फेलम. इसकी ट्रिक क्या है, फेलम से याद रखना, फूड, फेलम मतलब लिखने में पीएच आता है पर बोलने में फ आता है, फ है ना, फूड, फेलम. तो ये किसको करता है, फूड को लेके जाता है, ठीक है, फूड जो कि आपका लीव्स में फूड बना है, फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं उसको लेकर जाता है, ठीक है. और जाइलम क्या लेके जाता है, पानी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी. रूट्स में जो हम पानी देते हैं, तो रूट्स में जो पानी एब्जॉर्ब किया है ना, पानी एब्जॉर्ब किया वो ऊपर की तरफ जाता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी जो है, फल से, हाँ, फल से फाइलम या फ से फूड, ठीक है, दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, जैसे भी. सो वॉटर, ठीक है, जाइलम, वॉटर और सॉल्यूट्स, जो भी पानी में आपने मिलाया, कुछ भी आपने मिनरल्स मिलाए या जो भी मिनरल्स हैं वो भी आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है जी. चलो तो ये हमने डिस्कस कर लिया एनिमल टिश्यूज में, ठीक है, एनिमल टिश्यूज में एपिथीलियल टिश्यूज, एपी, एपी का मतलब होता है सरफेस, ठीक है, प्रोटेक्शन से बचा, मतलब प्रोटेक्शन करता है हमारी, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, सेंसरी, ये इसके इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं. कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करना चीजों को,
जैसे ब्लड एक कनेक्टिविटी इशू, सपोर्ट, बाइंडिंग ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, इम्यूनिटी. अभी मैं क्वेश्चंस में आपको कुछ कनेक्टिव टिश्यूज की ना ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक भी बताऊंगा. एमबीटी क्या है, आएगा बल्ब है एक ट्रिक, एक एमबीटी है जिससे आपको याद रहेगा. बेसिकली बोन्स और बोन्स को कौन कनेक्ट करता है, लीगामेंट. तो ट्रिक बन गई बल्ब, ठीक है, बल्ब. सो बोन्स बोन्स को कौन कनेक्ट करता है, लीगामेंट कनेक्ट करता है. सिमिलरली एमबीटी मसल और बोन्स को कौन कनेक्ट करता है, टेंडन्स कनेक्ट करता है, टेंडन्स, ठीक है. चलो उसके बाद आपका मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए है. और नर्वस टिश्यू तो भाई घर में कुकर में जब सब्जी बनती है, गर्म कुकर, आपको पता नहीं है कि अभी भी सब्जी बनी है, जस्ट उसको टच कर लेना, नर्वस टिश्यू सारा समझ आ जाएगा, ठीक है. एकदम ऐसे हाथ पीछे जाता है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, नर्व इंपल्सिस काम करती हैं तुरंत, जो है मतलब कुछ माइक्रो सेकेंड्स में जो आपके ब्रेन को पता लग गया कि ये गड़बड़ है कोई चीज, ठीक है, तो आपको बचाने की वो कोशिश करता है, ठीक है. तो उसमें जो है आपका नर्व एंडिंग है, ठीक है, एक्सॉन है, ठीक है, जहां से मूव होता है, एंड सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, दैट्स इट, ठीक है. तो अभी हम क्वेश्चंस पे चलते हैं. हाँ, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है. चलो ठीक है, क्वेश्चंस करें अब. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म बट वायरसेस डू नॉट, बैक्टीरिया कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया बट वायरसेस डू नॉट, वायरसेस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया बट बैक्टीरिया डू नॉट, वायरसेस हैव अ सेल मेम्ब्रेन बट बैक्टीरिया डू नॉट. अच्छा भाई, अच्छा ये भी सही है. यस, आंसर आंसर है ए. देखो बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म बेसिकली जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियस था, तो ये जो फ्लूइडिक मीडियम है, ठीक है, तो ये आपको यू गॉट इन द बैक्टीरिया. बट वायरसेस में ये नहीं होता, वायरस इसीलिए इनएक्टिव रहता है, बॉडी में जाके उसको वो मीडियम सारी चीजें मिलती हैं, फिर वो वहां पर ग्रो करना शुरू करता है, ठीक है. सो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल. सेल है, उसके बाहर जो पानी की कंसेंट्रेशन है, वाटर कंसेंट्रेशन हायर, और अंदर लो वाटर कंसेंट्रेशन, लो वाटर कंसेंट्रेशन, तो क्या होगा, सेल विल गेन वाटर, सेल विल डाई, देर विल बी नो चेंज, सेल विल लूज वाटर. वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है ये, इट इज हाइपोटोनिक. सिंपली पानी अंदर जाएगा जी, पानी की कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा है. इट इज लाइक रूट्स में क्या होता है, जब हम पानी जड़ों में पानी डालते हैं तो पानी बाहर ज्यादा है पानी की कंसेंट्रेशन, तो जो रूट्स में हेयर्स होते हैं, ठीक है, हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उससे सरफेस एरिया बढ़ता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है. पानी जो है हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, पानी एब्जॉर्ब होता है, फिर वो जो है आपका जाइलम के थ्रू ऊपर बाकी पार्ट्स ऑफ द उसमें पहुंचता है, ठीक है. तो ये आपका हो गया, सेल विल गेन वाटर. चलो आगे चलते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स. बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी. रफ 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 और टफ बॉडी चाहिए तो क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ठीक है, प्रोटीन शेक पीना पड़ेगा. तो क्या होता है उस पर, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स. सिंपल क्वेश्चन है जी, राइबोसोम्स, ठीक है. तो प्रोटीन सिंथेसिस है ना, हमने भी डिस्कस किया. सो लुक्स रफ अंडर दिस बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस. चलो वेरी गुड. रिकॉल रिकॉल रफ टफ, आर से रफ टफ प्रोटीन और आर से राइबोसोम. ओके, इन प्लांट सेल्स द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी अपरेटस, वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल सैप. हमने एक बड़ा सा पार्ट देखा प्लांट सेल में, है ना, एक बड़ा ही पार्ट देखा, एक छोटा सा न्यूक्लियस भी देखा ये, ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया था कि रिजिडिटी आती है, टर्जिडिटी मतलब एक हार्डनेस आती है, ठीक है. सो दैट इज द, दो सेल वॉल से भी आती है, ठीक है, सेल वॉल भी होता है. सो दैट इज वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल सैप. ओके चलिए, सो आंसर हो गया डी. यूकैरियोटिक क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ,
ठीक है, यूकैरियोटिक, दो तरीके के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, बहुत सारे लाइक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं। क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड डीएनए ओनली, डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए आरएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। कहां पर है? क्रोमोसोम्स में, ठीक है। क्रोमोसोम्स कहां पर रोल प्ले करता है? हां जी, क्रोमेटिन कहां पर रोल प्ले करता है? यस, सो दैट इज द डीएनए। सो कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट फॉर्म्स अ क्रोमोसोम्स विद इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियर डीएनए डज नॉट अपियर इन लीनियर स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर में होता है, बट जब सेल डिवाइड होने वाला होता है ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाता है, माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिस इज फाउंड इन एनिमल सेल, कौन से जो है एनिमल सेल में मिलता है? बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। नॉट फाउंड इन, कौन सा नहीं है? सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल, लाइसोसोम। यस, अब ये तो नींद में उठा के अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ बताओ, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। सेल वॉल, ठीक है, दैट इज सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल नहीं होता है, इसीलिए सॉफ्ट होता है, प्लांट हार्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का कौन सा फंक्शन नहीं है? फोटोसिंथेसिस में काम आता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। क्लोरीन केमा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, ठीक है, ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यस, अब क्लोरो क्या करता है अल्टीमेटली, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब, पानी को लेता है, उससे कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है, स्प्लिटिंग C6H12O6 बनाता है, फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स पूरी उसमें जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किया, ठीक है, हमने पढ़ा ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर C6H12O6 बनाया, तो ये करता है, फोटोन लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी, बट ये नहीं करता है, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका? सी। सो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे काम वो करता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइफ प्रोसेसेस इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इज नॉट करेक्ट। अब ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, जैसे हमने अमीबा की बात की थी, दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन फॉर फूड अपटेक, सेपरेट ऑर्गन इज नॉट नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, वेस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटीरियल इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑर्गेनिजम्स, दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। हाँ जी, सिंगल सेल्ड में क्या चीज होता है? सिंगल सेल्ड है, स्पेशल, मैंने आपको क्या कहा, एक एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति क्या करता है, सुबह झाड़ू भी लगाता है अपनी दुकान में या अपने जो भी काम कर रहा है वो, ठीक है, उसमें वो सारे काम वही करता है, ठीक है, वो मल्टीपर्पज है, उसके लिए अलग से कोई बंदा नहीं है, वैसे ही है, इसके लिए कोई सेपरेट ऑर्गन नहीं है फूड अपटेक के लिए, वो खुद भी खाना बना रहा है, चाय बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज हाउ सेपरेट, ठीक है, क्लियर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए, ठीक है, डीएनए, अच्छा डीएनए न्यूक्लियस के अलावा कहां पर होता है डीएनए, ठीक है, ऐसे समझ लो कि माइट इज राइट, एनर्जी, एनर्जी है तो कहते ना इसके डीएनए में एनर्जी है, ठीक है, इसके डीएनए में ही एनर्जी है, माइट इज राइट, एनर्जी, एनर्जी कहां होती है, एनर्जी सेल्स कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसके इसके बॉडी में एनर्जी है, मतलब पिताजी भी एनर्जी थे, दादाजी में भी एनर्जी थी, इसमें भी बहुत एनर्जी है, ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर, गॉल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आंसर क्या हो गया? बी। थ्री ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन डीएनए आर द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तीन चीजों में होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। मैकेनिक इसकी ट्रिक है, ठीक है, इसकी मैकेनिक ट्रिक है, सो एम से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, सी से हो गया आपका क्लोरो, सी एच ए, क्लोरोप्लास्ट, और एन से हो गया न्यूक्लियस, निक से न्यूक्लियस, ठीक है, मैकेनिक, मैकेनिक ट्रिक है, तो मैकेनिक जो है इसमें आपको क्या मिलता है, डीएनए मिलता है, ठीक है जी, मैकेनिक में डीएनए मिलता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस, ग्लूकोज, एटीपी, एडीपी, पाइरूविक एसिड, अगेन अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, ठीक है, क्या डिस्कस किया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मैंने आपको बताया, माइट इज राइट, एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी, यस, एटीपी, आंसर इज एटीपी, ठीक है। चलो,
क्लोरोफिलिन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद, किस चीज से एसोसिएटेड है क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक ठीक है, प्राइमरी बैक्टीरिया, अब उसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स नहीं है, स्पेशलिस्ट ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो यहां पर मेम्ब्रेनस वेसिकल्स काम, वेसिकल्स काम करता है, अलग से ऑर्गन्स वो नहीं है ठीक है, सेल में अलग से ऑर्गेनेल नहीं है तो क्या काम करता है, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स काम करता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट, डिफ्यूजन, और मैंने आपको बताया था ऑस्मोसिस, इट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन, इट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, इट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। अब ये पहले तो ये बताओ एनर्जी कहां से मिलती है आपको, ठीक है, एनर्जी कहां से मिलती है, फोटोसिंथेसिस से मिलती है, रेस्पिरेशन से मिलती है, या एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहां पर जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट, ओके, नहीं ठीक है, आंसर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी, तो यहां पर जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, ये हमने डिस्कस किया। पानी के केस में हम हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन बात करते हैं, डिफ्यूजन के केस में हम सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, ठीक है। सो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स सेलुलर एनर्जी टू अचीव दिस मूवमेंट, टू टाइप दिस, और ये जो है क्लियर। चलो नेक्स्ट आपका सोसाइडल बैग्स किसे कहते हैं, ठीक है, लाइजोसोम्स, सॉरी लाइजोल किसमें यूज होता है, ठीक है, लाइजोल किसमें यूज होता है, सोसाइडल बैग्स क्लीन करने के काम आता है, ज्यादा क्लीन कर दिया तो वो नुकसान पहुंचा जाएगा बॉडी को, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ठीक है, लाइजोसोम्स, लाइजोल, मैंने आपको बताया ना लाइजोल से याद रखना, वेस्ट को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए, ठीक है, तो लाइजोसोम्स आंसर हो गया आपका ए, ठीक है, लाइजोसोम्स आपका यहां पर काम आता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है जो भी डेड सेल्स हैं वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करता है, विच अलाउ देम टू कैरी दीज प्रोसेसेस। ओके, कौन सी चीज एनिमल सेल में नहीं है, फ्री राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, सेल वॉल, यूपीएससी कह रहा है बेचारा, बेटा इतनी दूर से आए हो, घर से तैयार होके, ठीक है, फॉर्म भरा, कुछ तो क्वेश्चन ठीक करके जाओ, ठीक है, इतनी दूर जब आए हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो लेके जाओ, सेल वॉल, ठीक है, तो दैट इज कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर्स। सो एनिमल सेल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स मेनली फंक्शंस एज अ स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पर वही डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर बाहर आ गए तो क्या हो जाएगा, सुसाइड भी हो सकता है, ठीक है। सो डेस्मोसोम, राइबोसोम, लाइजोसोम, वैक्यूल्स, सर एक्टिव ट्रांस वाले में होगा ये होगा, अभी चेक किया, चलो लेट मी चेक ऑल्सो, मैंने भी चेक किया था वैसे, लेट मी चेक ऑल्सो, ठीक है, ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई, ठीक है, आई क्लैरिफाई इन द इवनिंग सेशन। सो आंसर इज योर, हाँ जी, डाइजेस्टिव इंजाइम, यस, लाइजोसोम्स, ठीक है, लाइजोसोम्स। सो आंसर इज सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट कैरिड आउट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, स्मूथ मैंने आपको किस में बताया था, रफ में प्रोटीन, रफ टफ चाहिए तो प्रोटीन, स्मूथ में लिपिड्स, लिपिड्स हो गया, फैट्स हो गया,
सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। अब एक ऑप्शन आपको बहुत क्लियरली पता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन किस में है? प्रोटीन तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्म, रफ और टफ, ठीक है। तो लिपिड हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो गया, स्टीरॉयड हार्मोन्स हो गया, ठीक है। तो ये काम जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। सो दिस इज डन बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूछा है स्मूथ का। ओके, क्वेश्चन इजी है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इजी, बहुत डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लफड़ेबाजी वाला कोई वो नहीं है। ओके, प्रोटीन इज सिंथेसाइज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड राइबोसोम्स, इट टारगेट्स इनर थायलोकॉइड स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हाउ मेनी डबल लेयर मेम्ब्रेन लेयर्स इट हैज टू पास टू रीच टू इट्स डेस्टिनेशन, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 2, 3, 4, 5। यस, अब ये थोड़ा सा वो है, बहुत ही स्पेसिफिक सा आंसर है, दैट इज, ठीक है, थ्री लेयर, सो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज टू पास थ्री डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन लेयर्स टू रीच द इनर थायलाकॉइड, ठीक है, स्पेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल, क्लोरो है ना, उसके लिए है आपका। ओके, लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, लाइसोसोम किस के द्वारा बनाया जाता है? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडीज और राइबोसोम्स। यस, लाइसोसोम, ठीक है, जो वेस्ट को बाहर करता है, ठीक है, देखो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ठीक है, सारी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, तो यहां पर जब ट्रांसपोर्ट हो रही है तो एक वो जो वेस्ट वाली गाड़ी नहीं होती है, तो इसने ट्रांसपोर्टेशन का काम संभाला हुआ है, ट्रांसपोर्ट का, तो इसने ट्रांसपोर्ट बहुत सारी गाड़ियों में, किसी में पैसेंजर लेके जा रहा है, किसी में प्रोटीन, किसी में फैट, किसी में कुछ, एक जो है इसने क्या किया, एक वेस्ट के लिए कर दिया, सो दैट इज लाइसोसोम्स, ठीक है। सो आर स्फेरिकल मेम्ब्रेन सैक्स ऑफ एंजाइम्स, लाइसोसोम एंजाइम्स आर मेड बाय प्रोटीन्स। गोल से याद रखना, व्हीकल, ठीक है, व्हील, पहिया, चक्का, ठीक है, चलो। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब माइट मतलब एनर्जी, ओके, ठीक है, ओके, सो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, और इंट्रासेलुलराइजेशन, सो क्या हो गया, 4, 1, 2, 3, ठीक है जी, 4, 1, 2, 3 आंसर क्या हो गया, सी, जी हाँ, क्लियर है। अब ये देखो बहुत इजी है आपके लिए, अगर आपने वो ट्रिक याद करा हुआ है तो बहुत इजी है, ठीक है, कि माइट 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 इज राइट, माइट मतलब एनर्जी चाहिए, ठीक है, माइट इज राइट, तो यहाँ पर डीएनए भी होता है माइट में, है ना, मैकेनिक वाली ट्रिक याद रखना, मैकेनिक वाली ट्रिक, माइटोकॉन्ड्रिया और आपका क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ठीक है, तीन में आपको डीएनए मिलता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरो नाम ही इसीलिए है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, राइबो आर, रफ और टफ, रफ और टफ मतलब प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, प्रोटीन बना रहा है, लाइसोसोम्स हो गया आपका डाइजेशन के लिए, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, चलो शाबाश, आगे चलते हैं। लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, इट इज कंपोज ऑफ, प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, चलो, साइटोप्लाज्म ओनली, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म ओनली, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल्स, हाँ जी, क्या है प्रोटोप्लाज्म, हाँ जी, प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, इज द होल कंटेंट ऑफ द सेल इनक्लोज्ड विद द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी, सो प्रोटोप्लाज्म इनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा से मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में सारी चीजें आ गई, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में सारी चीजें आ गई, कंप्राइजिंग द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, अदर ऑर्गेनेल्स, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर फाउंड इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, अब प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में हैं,
कौन सी चीजें। अब इसमें एलिमिनेशन करते चलो, ठीक है, सेल वॉल ढूंढो, सेल वॉल नहीं है ना एनिमल में, ठीक है, गलत, सेल वॉल नहीं है ना, गलत। अब बाकी क्या बचा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें, ठीक है, एनिमल में क्लोरोप्लास्ट का क्या काम, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, गलत, सेल मेम्ब्रेन, दिस, यस, ये आपका सही हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द आंसर, इसमें सेल वॉल है, ठीक है जी, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, तो आंसर आपका एक ही बचा, क्लियर। चलो ओके, अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, मैकेनिक, मैकेनिक के पास डीएनए है जी, मैकेनिक के पास डीएनए है, मैकेनिक, मैंने ट्रिक बताई आपको, हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, अब क्या पूछा है इसमें, ठीक है, किसमें डीएनए है, एंडोप्लाज्मिक, दिस दिस दिस, आंसर क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, मैकेनिक, ट्रिक याद रहेगी, सो आंसर क्या हो गया, डी, ओके। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स आर, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ये ऐसा लग रहा है जैसे वो इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर नॉट टेबल्स, ठीक है, चलो, सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स, ठीक है, बताओ भाई। अच्छा, एंजाइम्स में और हॉर्मोन्स में क्या फर्क होता है, एंजाइम्स में और हॉर्मोन्स में क्या फर्क होता है, टू थ्री फोर, नहीं देखो, टू थ्री फोर कैसे हो जाएगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट्री है, सेकेंड और थर्ड तो हो ही नहीं सकता, जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स, आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो ये देख लो, एंजाइम्स में बेसिकली क्या है, ये जैसे माल्टोज आया एक्टिव साइट, सो एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंजेस। तो यहां पर आप देख सकते हैं, एंजाइम है, माल्टोज आया, ग्लूकोज बन के चला गया, बट ये क्या करते हैं, हार्मोन्स, एक पर्टिकुलर सेल है जहां से ये सिक्रीट होता है, फिर ये सिक्रीट होकर पहुंचता है टारगेट सेल के पास, वहां पर अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, वहां पर अपना रोल प्ले करता है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स इन प्लांट्स इज ड्यू टू, लेंथ तीन तरीके के थे, तीन तरीके के, एपिकल, लेटरल और इंटरनोडल। तो मैंने एपिकल आपको क्या बताया था, हाइट को बढ़ाता है, ठीक है, सो दैट इज द लेंथ ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। सो लेटरल, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी तो नोड्स वाला हो गया, लेटरल हो गया गर्थ, ठीक है, सो दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, याद हो रहा है, एप टॉप, ठीक है, टॉप से याद रखना, टॉप, एप, ठीक है, सो दैट इज द इंक्रीजिंग हाइट, इंक्रीज करना। लार्ज एयर स्पेसिस किसमें होता है, लार्ज एयर स्पेसिस ये आपका होता है एक्वाटिक प्लांट्स में, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स में, एक्वाटिक प्लांट्स में बड़े बड़े गैप होंगे, क्योंकि पानी में है, पानी में है तो उसको पानी में सर्वाइव करना है, ठीक है, पानी में सर्वाइव करना है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, एरिनकीमा, एयर से, एयर से ही है ये शब्द, एरिनकीमा, एयर, ठीक है, एयर कैन पास थ्रू, ठीक है, सो दैट इज एरिनकीमा, कौन से हैं इसमें, सो दैट इज एरिनकीमा, एक्वाटिक प्लांट्स में आपको ये देखने को मिलता है, ओके, इट कंटेन्स क्लोरोफिल, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्लोरिनकीमा बोलते हैं उसको, ठीक है, और एक्वाटिक प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्कीमा टू हेल्प देम फ्लोट, ठीक है, ताकि वो फ्लोट कर सके, सच पैरेन्कीमा आर कॉल्ड एरिनकीमा, ठीक है, ऐसे पैरेन्कीमा को एरिनकीमा कहते हैं। चलो, एपिडर्मल सेल्स ऑफ प्लांट्स रूट्स इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस, एपिडर्मल, एपिडर्मल सरफेस एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाएगा, कोई भी चीज एब्जॉर्प्शन कब बढ़ाती है, किसी चीज को जब आप बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ देते हो तो क्या होता है, ठीक है, एक बड़ी चीज है, इसको अगर मैं टुकड़ों में तोड़ दूं, मान लो ये एक ये चीज है, तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। तो अगर आपने जड़ों को देखा है, जड़ों को, जड़ों को, तो जड़ों में बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स,
ये क्या करते हैं, पानी से एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है, इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। जड़ों में क्या करना है, सॉरी, पानी को एब्जॉर्ब करना है, पानी को एब्जॉर्ब करना है। सो दैट इज द रूट हेयर्स, जो जड़े हैं, जड़ों में जो आपको हेयर्स मिल रहे हैं उसमें से पानी को एब्जॉर्ब करना है। क्लियर, यस और नो? तो यहां पर आपका क्या आ गया, एपिडर्मल। एपी क्या मतलब, क्या होता है एपिडर्मल का, सरफेस, ठीक है, कौन से सेल्स हैं, दैट इज रूट हेयर्स, हूज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, कॉमनली वी आर हेयर लाइक पार्ट्स। ठीक है, जड़ को आप जब भी निकालते हैं तो बहुत सारे पार्ट्स आपको मिलते हैं। ओके, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू, यस यस, स्मूथ मसल, ठीक है, स्मूथ मसल, ठीक है, स्मूथ मसल्स कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। देखो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, बेसिकली दो पार्ट्स को, दो अलग अलग चीजों को कनेक्ट करना, ठीक है। अब जैसे ब्लड है, दैट इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे इसकी ट्रिक बनाई है बल्ब, बल्ब है बोन्स, लिगामेंट बोन्स, ठीक है, बोन्स और बोन्स को कनेक्ट करता है लिगामेंट। कई बार आपने जो बहुत ज्यादा दौड़ते हैं उनका सुना होगा लिगामेंट टियर हो गया। बेसिक ट्रेनिंग में जाओगे, बेसिक ट्रेनिंग में अगर 50 बैचमेट्स हैं, दो चार तो ऐसे मिलेंगे मिलेंगे जिनका लिगामेंट टियर होगा। मतलब बहुत दर्दनाक होता है, बहुत मुश्किल होता है ट्रेनिंग करना उसके बाद, तो लिगामेंट टियर के तो बहुत केस मिलते हैं खासकर फौज की ट्रेनिंग में। तो बोन्स, लिगामेंट, बोन्स, ठीक है। फिर आपका MBT, मसल्स, बोन्स, टेंडन्स, ठीक है, मसल्स और बोन्स को कौन कनेक्ट करता है, टेंडन्स कनेक्ट करता है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है, पेपर में कभी पूछ सकता है तो ध्यान में रहेगा। तो मैकेनिक मैंने आपको बताया, MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने दिल्ली से कैपिटल लेके आया था नीचे दौलताबाद, बताओ, मिडिवल हिस्ट्री डिस्कस हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव अ स्मूथ मसल्स, ठीक है, किस में जो है आपको, किस बॉडी पार्ट में स्मूथ मसल्स नहीं मिलते, ठीक है, स्मूथ मसल्स किस में चाहिए होंगे। अब मान लो मैं बहुत धूप से एकदम अंधेरे रूम में आया, तो स्मूथ मसल्स चाहिए ना कि नहीं चाहिए, एकदम मैं अंधेरे में आऊंगा तो, दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। यूट्रस ऑब्वियसली कितना जो है, दैट स्मूथनेस ऑफ द मसल इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली व्हेन आई एम टेकिंग द एयर इनसाइड, एक्सहेलिंग, ठीक है, सो दैट इज इट इज बाइसेप्स में, ऐसा कुछ नहीं है जी, ठीक है, डॉले शॉले दिखाओ और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। डॉले तो सबको स्मूथ बिल्कुल नहीं होने चाहिए, डॉले तो लगना चाहिए कि हाँ लाइक हार्ड है, ठीक है, चलो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट। अगर डॉले बाइसेप्स भी स्मूथ मसल में आने लग गए तो बेचारे कितने सारे जिम बंद हो जाएंगे, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ गर्थ, गर्थ इज, हाँ जी, वॉट गर्थ, दैट इज दिस, ठीक है, यस, लेटरल साइडवेज ग्रोथ कौन करता है, ठीक है, सो लेटरल मेरिस्टेम गर्थ, ठीक है, विड्थ को बढ़ाता है, ठीक है जी, चलो। इफ द जाइलम ऑफ अ प्लांट इज मैकेनिकली ब्लॉक्ड, जाइलम और फैलम, फल, फैलम, फूड, है ना, ओके, फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द प्लांट विल बी अफेक्टेड, क्या चीज अफेक्टेड हो जाएगी अगर जाइलम प्रभावित है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स दोनों, इट इज नॉट जस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सॉल्यूट्स भाई जो मिनरल्स हैं, कुछ भी चीजें हैं वो भी, ठीक है, सो इसीलिए कहा भी जाता है, जो कई बार हम देखते हैं मुरझा गए पत्ते बिल्कुल, सो दैट इज व्हाट हैपेंड, ठीक है, पानी नहीं दोगे तो। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स डज फैट गेट स्टोर्ड, फैट किस में स्टोर होता है, बहुत ईजी, एडिपोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्टियोसाइट, रेटिकुलोसाइट, ठीक है, यस, ठीक है, दैट इज एडिपोसाइट्स, ए ठीक है, आंसर इज ए,
सेल्स दैट डिराइव फ्रॉम द मल्टीपोटेंशियल मेसेनकाइमल सेल्स, मेन रोल इज टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स टू कशन. इसीलिए मतलब लाइक वो चबी फेस आप कहते हैं, चबी इसकी बॉडी है, तो दैट इज हाउ व्हाट हैपेंड विद दिस. ओके हाँ सही बात कह रहे हो. ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और सेल्स इज नॉट प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यूज, कौन सा जो है कनेक्टिव टिश्यूज में नहीं है. ठीक है, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू में नहीं है. कॉन्ड्रोसाइट्स, एक्सन, कोलेजन फाइबर, लिम्फोसाइट्स. अगेन इजी क्वेश्चन है. ये एक्सन हमने किस में देखा था, ये एक्सन हमने देखा था, हाँ जी कुछ दिमाग से रिलेटेड है, नर्वस टिश्यू. ठीक है, सो देखो ये अलग अलग सबका काम है. कार्टिलेज का काम है. कॉन्ड्रोसाइट्स आर द स्टार प्लेयर्स हियर, रिस्पॉन्सिबल फॉर कीप बिल्डिंग एंड कीपिंग द कार्टिलेज स्कैफोल्डिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. आउटसाइडर एक्सन्स माइट शो अप एल्सवेयर बट दे डू नॉट बिलोंग टू कनेक्टिव टिश्यूज. ठीक है, लॉन्ग एक्सटेंशन टू नर्व सेल्स. टफ गाइज, कोलेजन फाइबर्स आर हैवी ड्यूटी मेंबर्स ऑफ द टीम, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ सपोर्ट फ्लेक्सीबिलिटी दैट कनेक्टिव टिश्यूज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये कोलेजन जो है प्रोवाइड करता है. लिम्फोसाइट्स, इम्यून सिस्टम, ऑल स्टार्स आर अनदर इंपॉर्टेंट बट दे स्पेशलाइज इन डिफरेंट एरिया, इम्यून सिस्टम. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपीरेशन. ठीक है, ट्रांसपीरेशन के लिए कौन सा है. गार्ड सेल्स होते हैं, वो खुल जाते हैं फिर बंद हो जाते हैं. ठीक है, गार्ड सेल्स वो मुकम्मल मैं भूल रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द वर्ड. ठीक है, तो वो हाजिर हो. ठीक है, वो गेट लेके पे खड़े रहते हैं गार्ड सेल्स. ठीक है, सो जाइलम, रूट, स्टोमेटा, बाक, कौन सा स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन एवेपोरेशन, पानी का आदान प्रदान. ठीक है, पानी का आदान प्रदान लीफ में, पत्तों पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं विच लीड टू द लॉस ऑफ वाटर. ठीक है, अब इतना तो इतना हिंट के बाद, माइन्यूट पोर्स यूज फॉर द गैस एक्सचेंज, एयर कंटेनिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस. ठीक है, सो दिस इज यू कैन सी ओपन स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इन, ओपन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर क्या एंड ऑक्सीजन बाहर, क्लोज्ड स्टोमेटा. ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है. चलो आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टिश्यूज ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड हीट एंड मेंटेन वाटर बैलेंस. कौन से एनिमल टिश्यूज हैं जो हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और हीट और मेंटेन करते हैं वाटर बैलेंस को. कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ब्लड, नर्वस टिश्यू. भाई साहब ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. हां जी नेताजी. ठीक है, सो ब्लड भाई वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, हार्मोन्स को लेके जाता है, हीट को बैलेंस को मेंटेन करता है, दैट इज ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. सो कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्रीन ग्लैंड्स टू टारगेट ऑर्गन्स. ठीक है, हीट होम्योस्टेसिस बैलेंस मेंटेन करता है. ठीक है, अल्टीमेट कॉज ऑफ वाटर मूवमेंट इन अ प्लांट स्टेम अगेंस्ट ग्रेविटी. ग्रेविटी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ पानी कौन लेके जाता है, ऑस्मोसिस, ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिफ्यूजन. अल्टीमेट कॉज क्या है जो ग्रेविटी के बियॉन्ड जाकर पानी को ऊपर लेके जाता है. हां जी, अब देखो डोंट कंफ्यूज इट विद ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस बेसिकली जहां पर पानी की हायर कंसेंट्रेशन है टुवर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ जाता है. ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट विद दैट. ठीक है, सो इट इज टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर. वाटर मूवमेंट की बात कर रहा है और ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाकर बात कर रहा है, तो वो चीज कौन करता है. यस ठीक है, दैट इज अ ट्रांसपीरेशन, लाइक एवेपोरेशन पार्ट ऑफ वाटर साइकिल. ठीक है, तो दैट इज द ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन जो है उसको ऊपर लेके जाता है पानी को, फिर वो पानी जो है स्ट्रोमेटा, वाटर वेपर जो एक्सचेंज होता है वहां पर. चलिए
तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये था आज का सेशन। आई होप आपको इसमें हमने CDS के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, CAPF के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो ये आपको एक आइडिया हो गया होगा कि इस दो टॉपिक्स पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो नॉन बायो बैकग्राउंड्स के हैं, प्लीज़ वो माइटोकॉन्ड्रिया, माइट, ATP, राइबोसोम्स, रफ प्रोटीन, ठीक है, उससे याद रखना, स्मूथ, लिपिड्स से है आपका, स्टीरॉयड से है, फिर आपका लाइजोसोम है, लाइजोल साफ करना है, ठीक है जी। ये छोटी छोटी ट्रिक है, मैकेनिक का ट्रिक मैंने आपको बताया, MBT का ट्रिक बताया, ठीक है जी, बल्ब का ट्रिक बताया, तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स लिख लो ताकि पेपर में आपको तुरंत याद आ जाए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, एपिकल मेरिस्टेम हो गया, फिर उसके बाद आपका गर्थ के लिए लेटरल हो गया, इंटरनोडल हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलो शाम को मिलते हैं, बढ़िया था, ईजी भी लगा, चलो ठीक है, गुड, और शाम को मिलते हैं 6 बजे और अगले दो टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। उन दो टॉपिक्स को ब्रीफली पहले, जैसे आज हमने किया, पहले 10 मिनट हमने जस्ट एक रिवीजन कर ली, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों का, फिर हमने क्वेश्चंस पे आ गए सीधा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम शाम को भी करेंगे, और आइडिया यही है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि 30 में से 25 क्वेश्चन साइंस के बहुत डूएबल क्वेश्चन होते हैं, दैट यू कैन डू ईजिली विद दिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, और ये सेशन जो है मोस्ट प्रोबेबली कल तक मैं कंप्लीट कर लूंगा, एंड नेक्स्ट वीक जो है हम कोशिश करेंगे मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।